Good evening, friends. Today we will be solving the UGC NTA NET paper 18 December 2018, second shift. As I have already discussed in my previous video, it is very crucial to solve past year paper, especially December 2018. Now the pattern has been changed, as you all know. Therefore, it is important for upcoming NET exam, that is on June 2019, to have a basic idea about important topics which can repeat again. So let's start with the first question. So the first question is, for organizing an effective teaching learning system, which of the following combinations of statements would reflect the most appropriate concern? Select from the quote to indicate your answer. So for effective teaching learning system, the most important concerns are, what will be the outcome? Ki jo aap padha rahe hain, uska kya outcome hoga? So this is very important. Second is, it helps in determining the qualification of teacher. इससे ये पता चलता है कि टीचर कितना क्वालिफाइड है, हाउ दे हैव स्टडीड एंड हाउ दे आर टीचिंग. थर्डली, चूजिंग द करेक्ट इवैल्यूएशन टूल, कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको ये भी पता चलता है. लास्टली, डिसाइडिंग द क्लास ऑफ द क्लासरूम, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द क्लासरूम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी ई. सो द आपका आंसर सही है, आंसर नंबर डी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the paradigm of research which focuses on the development of professional expertise of the researcher practitioner is called. So ye question bahut hi aapko direct aaya hai, because ye simple definition hai action research ki. So this is the direct definition of the action research. So agar aap methods and types of research padh ke jate hain, ye question solve karna aapke liye bahut easy ho jata hai. So the question third is very common question, ये हर paper में आपको मिलेगा, that is research ethics. So research process में ऐसा कौन सा part है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा use करे जाते हैं. So in research process there are two areas, that is data analysis, data collection, and the other one is reporting. These are the थ्री क्रूशल एरियाज फॉर रिसर्च एथिक्स, जहाँ पर आपका रिसर्च एथिक्स काम आता है बहुत ज़्यादा. सो द करेक्ट आंसर विल बी कलेक्टिंग डेटा थ्रू यूज ऑफ रिसर्च टूल्स, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग रिजल्ट्स. सो आपका सही आंसर है आंसर सी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको आता है मैच द फॉलोइंग, दैट इज आपका सेट वन जो है, दैट इज शोइंग फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन. आपका सेकेंड सेट बता रहा है डिस्टिंक्ट फीचर्स. सो पहला है आपका फॉर्मेट क्या क्या है प्रेजेंटेशन की, एंड उनके फीचर्स क्या हैं जो आपको मैच करने हैं. सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, दैट इज थीसिस एंड डिसर्टेशन, जो कि आपका पीएचडी एंड एमफिल लेवल का पार्ट होता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द पीएचडी एंड एमफिल लेवल. सो ऑब्वियसली, अब जब बात यहाँ पर हायर स्टडीज की हो रही है, तो आपका सिस्टमैटिक एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही यूज होगा. सो दिस इज द फिफ्थ ऑप्शन जो कि आपका फर्स्ट वाले के साथ जाएगा. देन कम्स रिसर्च पेपर, जो कि आप मास्टर्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने एमफिल लेवल में भी लिख सकते हैं. सो फॉर दैट यू हैव प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी रिसर्च डन. सो आपका सेकंड का जो आंसर है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन. नाउ कम्स वर्कशॉप्स. सो वर्कशॉप्स आपकी होती हैं कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को, या फिर कोई स्पेसिफिक थियोरी को, या फिर कोई स्पेसिफिक आइडिया को बताने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप को. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप अपना एक टारगेट बताते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. देन कम सेमिनार. सो फॉर सेमिनार यू हैव रिफ्लेक्टिव डिलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम. सेमिनार्स में आप कुछ स्पेसिफिक थीम्स चूज करते हैं और उनको आप बताते हैं. सो द करेक्ट कोड विल बी फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड. The next question is, which of the following statements best reflect the meaning and characteristics of research? So it is very important to know what is research and what are the meanings and objectives and characteristics of the research. So here the correct answer is, when you see the options, you will easily get the correct answer if you have studied research properly. So the correct options are, first of all, this is very common and very important to know that research means challenging the status quo. When you are talking about research, obviously aap jo current status quo hai, jo aapke samne current theory hai, jo ki aap pad rahe hain ya fir jisko aapne liya hai test karne ke liye, aap usko challenge karte hain. So the first statement is totally true, challenging the status quo. Then comes your this part,
Research is a careful review of reported studies. जो studies पहले से ही reported हो गई हैं उनका careful review होता है research में आपका. So this is also the correct option. Then comes research is a critical and passionate research to knowledge. Research में आप obviously एक critical analysis करते हैं. Research में आप observe करते हैं, discover करते हैं, आप knowledge gain करते हैं. So these are the correct options. The next question is, here the set 1 specifies the method of research while set 2 describes the critical features. So, yahan par bhi aapko like your previous question, question number 4th, ki tarah aapko yahan par research method diye hai hain, fir unke aapko features diye huye hain. Aapko batana hai kaun se method ka feature kaun sa hai. So, this is a quite easy question. First of all, you have experimental method. As you all know, aapko maine previous video mein aapka jo 21st December में भी एक question आया है from experimental method. So this method is very important, friends. You have to study this method very carefully. So experimental method को आप controlled method भी बोलते हैं, आप इसको law of single variable भी बोलते हैं. So इसमें जो आपका correct answer है, that is सीधा सीधा आपको बस mark करना है establishing cause and effect through control. जहाँ पर आप control देख लेते हैं, that is for the experimental method. आपको direct वहाँ पर experimental method को ही link करना है. Then comes ex post facto method. ex post facto method में हमेशा आप जाते हैं effect से cause में. You go like this. So पहले आपका effect होगा, फिर आप उसके cause ढूंढते हैं. So the correct answer will be probing into the causal factors from the observed effects. So this will be the correct option of ex post facto method. So the next is historical method. Historical method के लिए आपको सीधा सीधा देखना है, that is your secondary sources, your primary sources. Obviously for historical method आप हमेशा काम secondary sources या फिर primary sources से ही करते हैं, which includes books, journals, magazines, हो गए, आपके articles हो गए. Then comes ethnographic method. For ethnographic method, you have studying shared behavior and patterns. So this will be the correct answer for this part. So the correct code will be 4th, 5th, 2nd and 3rd. So the next question is, which devices from the list given below will form part of formative evaluation? First of all, you need to understand what is formative evaluation. So formative evaluation jo aapka hota hai, aapka pure saal bhar chalta hai. It is not like summative evaluation jo ki aapka bilkul end mein aayega. So formative evaluation includes quiz, class tests, assignments ho gaye aapke, projects ho gaye. So formative evaluation aapka pure saal chalta hai. So the correct code will be quiz iska part hai, like I said. Then comes the providing corrective feedback during discussion. Jaise jaise aapke class mein discussions hote hain, aapke projects wale kaam hote hain, aapke assignments hote hain, aapko saath saath feedback bhi milta rehta hai. Then comes the E part, encouraging opportunity to metacognitive thinking. That is, so metacognitive thinking aata hai aapka formative evaluation mein, which you need to understand. That means awareness. This is very important to know what is metacognitive thinking. Metacognitive thinking means to get aware. So, and it is a part of formative evaluation. Now comes the question 8. To promote direct learning, which of the following method would be best suited? Agar aapko direct learning ko promote karna hai, inme se kaun sa method hai jo aapko best suit karega? इसका आपका डायरेक्ट आंसर है लेक्चर विद एग्जांपल. जब आप लेक्चर देते हैं और आप साथ साथ उनके कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं एंड पीपल विल रिलेट टू इट प्रॉपरली. सो ये आपका डायरेक्ट लर्निंग को प्रमोट करता है जब आप लेक्चर देंगे विद एग्जांपल. सो करेक्ट आंसर विल बी दिस. क्वेश्चन 9, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर आपको लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. आपको यहाँ पर बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूरी है इंश्योर करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. सो अगर आपको इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को इंश्योर करना है, व्हाट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नीड इज़ लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन. लर्नर में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, यू नीड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर.
लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है. देन कम्स इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर्स. लर्नर्स के आपस में इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, उनका आपस में कैसा लिंक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ई एफ. सो लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक. देन कम्स प्रायर एक्सपीरियंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलो आर गिवन अ नंबर ऑफ की बिहेवियर्स एज वेल एज helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidences. यहाँ पर आपको find करना है. So अगर आप ये सारे options देखें, so जो key behaviors हैं of effectiveness of teaching में, you will see structuring through comments by the teacher in respect of what is to come, it is very important for you. Probing which implies statements to encourage students to elaborate is, it is very important here. Thirdly, engagement rate developed to learning with students are actually on task. So बहुत ज़रूरी है कि students का जो learning को लेकर है पूरा engagement हो, एक encouragement हो और एक feeling हो कि आपके teacher के क्या क्या comments हैं आपको वो जानने की. So A, D, E are the most important. Then comes the comprehension. जैसे कि मैंने आपको last video में भी ये चीज़ बताई थी. Friends, it is very important for you to mark the important lines. जब आप comprehension पढ़ रहे हैं, आपको जो important lines हैं वो सारी mark करनी हैं कि जिनसे आप easily अपना questions का answer find कर सकें. First of all, you need to know कि आपके passage का theme क्या है, उसका meaning क्या है, जो कि आपका हर question आता है हर एक comprehension में आपको मिलेगा. What is the basic theme? What is the basic message जो कि आपके comprehension का है. So ये मैंने आपके लिए important lines mark करी हुई हैं. आपके सारे question यहीं से बने हैं, पाँचों के पाँच. So let's start with the first question of comprehension. The central idea of the passage. This is the most important question. अगर आपको अपने comprehension में पूरे marks चाहिए, first of all you need to understand that आपके passage का basic idea क्या है. So this passage, इसका जो idea है basic, that is an attempt to resolve problems. Then comes the question, the preventive maintenance strategy used by a respected manager will mean to the subordinates. ये भी आपके लिए मैंने mark किया हुआ है. The correct answer is an attempt to resolve problems. So the 13th question is, the passage highlights which of the following feature of a successful leadership. अगर आपने passage ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने मेरी तरह mark किया है, you will easily get this answer. If a leader is good, you will see reciprocity. So this will be the correct answer. Question 14th is, what is reported in respect of successful leadership? So the correct answer is, respect comes out of respect, जो कि मैंने आपके लिए mark किया हुआ है. So the last question is, according to the passage, friendliness in management terms implies. So the correct answer is management, making management effective. ये पांचों questions आपके mostly themes, आपके theme में based हैं. आपके passage की theme क्या है? अगर आपने passage को ध्यान से पढ़ा है thoroughly, you will easily answer this question. So the question number 16 is from the mathematical section. So here 9,000 being divided among the persons. So therefore 9,000 upon X. Then question is, if there are 20 more people, then and each would get 160 less. 20 more people and 160 less. So what will be the equation now? So the equation will be 9,000 upon X plus 20, because 20 people more ho gaye hain, equals to 9,000 upon X minus 160 hoga. Jab aap is equation ko solve karenge, you will get 25. So the correct answer will be 25, and this is how you need to solve the question. So the next question is, so ye aapka yahan par coding decoding mein aa jata hai, aapka alphabet series mein aa jata hai this question. So life is written as K M H J E G D F. How is word is written? So yahan par अगर आप लॉजिक देखें जो मैंने आपके लिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइफ को लिखा गया है कुछ ऐसे. इस अल्फ़ाबेट के जो पहले का वर्ड है और जो उसके बाद का वर्ड है, लाइक के एल एम, सो सेम विल गो फॉर वर्ड. अगर हम वर्ड को लिखें यहाँ पर इसका जाने, तो वी आएगा, डब्लू, देन एक्स. सेम विल गो फॉर ओ, एन O, P. Same will go for R, Q, R, S. So this is how you will solve the question, and your correct answer will be fourth.
Now the next question is, in communicating in a classroom situation, which one of the following approaches will be considered more appropriate? अगर आपको क्लासरूम में कम्युनिकेट करना है तो आपके लिए कौन सी अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा सफिशियंट है? सो द आंसर विल बी एम्पेथेटिक एंड प्रेगमेटिक. एंड वाई यू नीड दिस? बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल सोल्यूशंस टू देम. अगर आप ये अप्रोच का यूज़ करते हैं, आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, आप उनको सोल्यूशन बता पाएंगे उन चीज़ों के. सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइज 30 मीटर्स इज. सो आपसे यहाँ क्वेश्चन हुआ है, सो द स्क्वायर रूम ऑफ 30 मीटर विच मीन्स 300 इंटू 300 एंड स्लैब्स ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो आपको उसको कैलकुलेट करेंगे अपॉन 20 इंटू 30. So you have to solve this like this. So aapka answer aa jayega 150. So the correct answer will be 150. Now the next question is, given below are the two premises with four conclusions. So this question is very common, which comes every year. Friends, ye har baar aapko 2 se 3 milenge. So bahut zaruri hai aap syllogism padhke jaye apne exam ke liye. So let's solve this question now. सो आपके लिए आपको दो प्रमाइसेस दी गई हैं और आपको दिए गए हैं चार कंक्लूजन इनमें से. सो फर्स्ट प्रमाइस इज, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट पर्सन्स. तो सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑनेस्ट पर्सन्स हैं. उसके बाद आता है ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स आर फेयर. सारे ऑनेस्ट पर्सन्स फेयर हैं. आपको यहाँ पर वीन डायग्राम ही लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे. सो ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स आर फेयर. सो लेट्स सी दी कंक्लूजन. सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस, कुछ ऑनेस्ट पर्सन जो है वो पॉलिटिशियन है, दैट इज़ वेरी ट्रू. सेकेंडली, नो ऑनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, कोई भी ऑनेस्ट पर्सन पॉलिटिशियन नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. Thirdly, some fair persons are politicians. Some fair persons जो हैं वो politicians हैं, very true. Fourth is, all fair persons are politicians. क्या सारे fair persons जो हैं वो politicians? That is wrong. So the correct answer will be A and C. So the next question is, a teacher decides to form 6 groups of students and assigns a sub-theme to each group for discussing and reporting, which kind of communication model will be best describe his her strategy in this regard. So first of all, जब आप group की बात कर रहे हैं, group में interaction होना बहुत ज़रूरी है. आप उनको themes दें, projects दें, assignments दें, आप उनको reporting करने के लिए दें. It is very important to have interaction between students. So यहाँ पर आपका direct answer है, इंटरैक्शनल मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत ईजी था फ्रेंड्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, दैट इंटरैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर सीरीज, जो कि आपका हर साल आता है. सो यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं 2, 8, 26, 62, 122, 212. आपको नेक्स्ट जानना है. सो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस हुआ है, दैट इज़ +6, +18, +36, +60, +90, और इनके बीच में भी आपका डिफरेंस चलेगा, जो कि आपका है 6 की टेबल. 6 2 12, 6 3 आपका 18 जाएगा, फिर आपका जाएगा 24, फिर आपका 30 जाएगा, उसके बाद आपका 36 जाएगा. सो दिस विल बी सॉल्व लाइक दिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल डिटर्मिनेंट फॉर इफेक्टिव असर्टिव कम्युनिकेशन, वेदर written or spoken. So first of all, you need to understand that what is effective assertive communication. This means a confident communication. Here assertive means confident communication. So a confident communication ke liye aapko kaun sa determinant hai jo sabse zyada powerful hai? This is I messages are the most important and most confident way of communication, jisse ki aapka communication hai bahut effective sound karta hai. Next is question number 24. In terms of the relationship
indicated below which word will correctly pair to replace the question mark. So, पहले आपको देखना पड़ेगा जो आपको दूसरा आपको जो यहाँ पर दिया example वो कैसे match है, उनका क्या relationship है, वैसे ही आपका relationship जाएगा दूसरे वाले का. So, if you see sing song का relationship, अगर आप इनके जैसा relationship बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्ले एंड एक्ट सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है. फील्ड मैच नहीं करेगा, प्ले फील्ड बिल्कुल मैच नहीं करता, प्ले सीन भी मैच नहीं करेगा, प्ले थिएटर भी मैच नहीं करेगा. व्हेन यू सी सिंग सॉन्ग आपके माइंड में एकदम से यही स्ट्राइक करेगा कि प्ले एक्ट. सो प्ले एक्ट विल बी द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. फाइव पर्सन्स अमित अनिल अजय अतुल आनंद लिव इन अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर. सो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड्स, इस ये आप बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस. आप यहाँ एक चार्ट बनाएंगे, आनंद लिखेंगे आप उसमें, अमित अनिल, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन आई सजेस्ट यू ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, विदाउट मेकिंग अ डायग्राम आप सॉल्व नहीं कर सकते. और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज Either third floor or floor or fourth floor. जब आप इसको सॉल्व करेंगे when you will arrange them properly in terms of their floors, you will see the correct answer is either third floor or fourth floor. So for this question, I would suggest you need to make a diagram. So question number 26 is in conveying the same meanings, which of the following is incongruous? So this question is basically odd one out. यहाँ पर आपको चारों में से जो भी लगता है कि अलग मीनिंग जा रहा है, डिफरेंट है, इसका मीनिंग अलग है, दैट विल बी द आउट वन. सो हियर प्रॉस्पर, फ्लरिश एंड थ्राइव के मीनिंग बिल्कुल सेम है, आपका जो अलग जा रहा है दैट इज एक्साइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्साइट बिकॉज प्रॉस्पर, फ्लरिश एंड थ्राइव हैव द सेम मीनिंग. सो क्वेश्चन 27 इज अबाउट फैमिली. So, Mr. Rajesh, his sister, his son and his daughter are fond of golf and often play together. इस स्टेटमेंट से आपको दो कंक्लूजन्स दिए हैं जिनसे आपको बताना है अपना करेक्ट ऑप्शन. सो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपके दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों आपके उस ऑप्शन में आने चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये जो दोनों कंक्लूजन निकली हैं आपके स्टेटमेंट से दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर. एंड देर इज ओनली वन ऑप्शन जिसका ये दोनों पार्ट हैं, दैट इज डॉटर ऑफ मिस्टर राजेश. सो दीज टू क्वेश्चन, द प्रीवियस वन एंड दिस वन आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपको ध्यान से सॉल्व करने पड़ेंगे. सो द बेस्ट प्लेयर्स ट्विन एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ द अपोजिट सेक्स, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ द सेम एज, ये आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, दैट इज डॉटर ऑफ मिस्टर राजेश. The next question is which of the following constitute the paralanguage in communication. ऐसे कौन से parts हैं जो कि paralanguage communication में use होते हैं. It's a very direct question. Internal noise and external noise can't be a part of this first of all. So आपको यहाँ पर पहले ये दो चीज़ें cut हो जाती हैं, उसके बाद जो तीन बचती हैं that they are the parts of it, that is pitch of the voice, use of pause, rate and volume of speech. The next question is given below is a statement followed by three assumptions made from. So आपको ध्यान रखना है, आपको बोला गया है three assumptions made from it. Which assumptions are implicit in the context of the given statement? So which assumptions आपको यहाँ पूछा गया है, सिर्फ assumptions. Select the correct answer from the code given below. So statement आपको दी गई है पहले यहाँ पर, smoking is injurious to health. A warning printed on the cigarette packets. Assumptions आपको क्या दी है फ्रेंड्स, पीपल रीड प्रिंटेड मैटर ऑन अ सिगरेट पैकेट, पीपल मेक केयरफुल नोट ऑफ अ वार्निंग, नॉन स्मोकिंग प्रमोट्स हेल्थ. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ए एंड बी. एंड व्हाई इट इज द आंसर, बिकॉज कीप इन माइंड दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली assumptions, not arguments. आपका जो third part है it is an argument. So these two parts showing the assumption. So your correct answer will be third, that is A and B. So the question number 30 is which of the following word influences the effectiveness of communication in classroom instruction in a critical way. First of all friends, it is very important for you to study the effectiveness of classroom communication because we have seen that in this paper also and in the previous paper also,
क्लासरूम कम्युनिकेशन से आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू स्टडी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन्फ्लुएंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन. सो ये आपका इसमें ऑप्शन जाता है सीधा सीधा टीचिंग एड्स. आपको कुछ सोचना नहीं है आप, बिकॉज टीचिंग एड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव. जब आप टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, आप प्रोजेक्ट एड्स को यूज़ करते हैं, वैन यू यूज़ ब्लैक बोर्ड, वैन यू यूज़ प्रोजेक्टर्स, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, दे फील बेटर, दे अंडरस्टैंड बेटर. सो टीचिंग एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 18 डिसंबर 2018 नेट एग्जाम. Stay tuned for the second part. Thank you for watching the video.